नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई चलते हैं गार्डन में। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मॉनसून का टाइम चल ही रहा है ना, बार बार एक ही बात बोलना भी नहीं अच्छा लगता। और इस टाइम आप खूब प्लांट्स भी लगा रहे होगे। और भाई कसम से, आपके पास पौधों को लगाने के लिए चीजों की भी कमी पड़ रही होगी। तो आज उसी चीज पे बात करते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें आपके स्टोर में होती हैं, आपके घर में होती हैं, वो आप देखना नजर दौड़ा के कि जो बिल्कुल आपके काम की नहीं होती है। आपने कबाड़ वाले को ही देनी होती है, रखी भी हुई होती हैं कई, जो हम यूज नहीं करते, घर में से निकल आती हैं। तो ये देखो, इस तरह के डब्बों में भी कितने अच्छे पौधे चल रहे हैं, और बिल्कुल प्लास्टिक के डब्बे हैं ये, है ना। और किसी काम भी नहीं आने थे, कुछ ऐसा भी नहीं रखा जा सकता था इसमें। तो ये देखो, गार्डनिंग में कितने अच्छे काम आ रहे हैं आपके। और इनसे अच्छा दोस्तों रीयूज मैं समझती हूँ कि किसी भी प्लास्टिक के आइटम का देखो हो नहीं सकता, अगर जिसमें आप पौधा लगा सकते हो। देखो पॉलोथीन वगैरह तो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीजें हमारी प्लास्टिक की घर में होती हैं, या ऐसी चीजें कई बार आ जाती हैं हमारे घर में जो कि एक बार यूज करने के बाद हमारे काम की नहीं होती, तो उनको आप जैसे प्लास्टिक के कंटेनर में, हमारे रिफाइंड ऑयल आते हैं, और कई बार ऐसे बड़ी बड़ी चीजों में, है ना, बहुत ऐसी चीजें आ जाती हैं। मैं नाम तो क्या लूँ किसी चीज का, वो तो आपको अपने आप पता लग जाएगा जब ढूंढोगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें अपने गार्डन में रख रखी हैं, और यकीन मानो भाई, इनमें प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें पानी की समस्या भी नहीं होती गर्मियों में, क्योंकि एकदम से इवेपोरेट भी नहीं होता, और प्लांट भी काफी अच्छे चलते हैं। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि कह देते हैं प्लास्टिक गर्म होती है, गर्माहट आ जाती है पौधों में। देखो भी ऐसा मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ, और अभी भी बहुत बचा हुई है। तो बस मैंने सोचा मैं इनका वीडियो बना लूँ, एकदम बरसने वाला है ये किसी भी टाइम, और आप तक एक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए कि इस टाइम अगर आपको गमलों की कमी पड़ रही है, पौधे लगाने के लिए चीजों की कमी पड़ रही है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम बरसात में एकदम जा भी नहीं सकते, तो आप अपने घर से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों, मॉनसून का टाइम ऐसा होता है कि किसी बंदे ने अगर किसी भी सीजन में प्लांट ना भी लगाया हो ना, उसका भी दिल करता है हरे हरे पौधे लगाने का। वो कोई भी आदमी पर्यावरण की तरफ आकर्षित भी होता है, क्योंकि बहुत साफ सुथरे से पौधे हो जाते हैं, हरा हरा होता है सब कुछ, और जो भी हमारे खाली मैदान भी होते हैं वहां की हरी घास उगाती है चारों तरफ हरा हरा, और फिर दिल ऐसा होता है कि हम भी कुछ उगाए। और इसी तरीके से दोस्तों, ये मैंने कई बार दिखा दी है, अभी भी देखो बूंदाबांदी होगी शुरू है ना, नीचे बूंद पड़नी शुरू हो गई है, जैसी मैं घटा दिखा रही थी अभी आपको। तो इनके गिल्ले होने से पहले वीडियो बना लेते हैं। और ये देखो, ये भी प्लास्टिक के वेस्ट में लगा हुआ है ना, और देखो कितने अच्छे फूल लग रहे हैं, ये पता भी लग रहा है कहाँ लगे हुए हैं पौधे ये, है ना। और देखो प्लास्टिक का आइटम भी हमने घर में रीयूज कर लिया, इधर उधर फेंका भी नहीं, और हमारे गार्डन की शोभा भी बढ़ गई, दोनों काम हमारे हो गए, है ना। एक तो सबको पता ही है प्लास्टिक का डिकम्पोज होना बहुत लंबा टाइम ले लेता है, तो इससे अच्छा है हमारे घर में जो चीजें आती हैं, कम से कम जिनको हम गार्डन में यूज कर सकें उनमें तो अपनी गार्डनिंग कर लें। और इस टाइम दोस्तों बरसात के मौसम में आप कहीं कहीं से कटिंग ला रहे हो, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं मैम वहां से ला रहे हैं लेकिन लगाने की जगह नहीं है, कहाँ लगाएं। तो भी एक बार घर में सर्च करो, किचन में ऐसी बहुत सी चीजें निकलेंगी आपने इकट्ठी करके रखी हुई है, लेकिन आपने कभी उन प्लास्टिक की चीजों का यूज नहीं किया। स्टोर में जाओ, घर में कोई क्रैक आइटम है प्लास्टिक का वो देखो। अब ये देखो थर्माकोल के डब्बे आए थे, ये कोई पैकिंग आई थी इसमें, इसमें भी देखो कितने सुंदर प्लांट चल रहे हैं, है ना, ये तो प्लास्टिक का भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें निकल आएंगी। अब देखो छोटी छोटी पौधों को हम लगाने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं किसमें लगाएं, तो ये देखो थर्माकोल के डब्बे, और मेरे ख्याल से 1.5-2 साल तो भाई इसको हो गए होंगे, तब मैंने वीडियो बनाया था तभी से चल रहे हैं ये। और ये छोटी छोटी सी कटिंग मैंने लगा दी थी, और ये देखो एक बार कोई फंक्शन था, दही के डब्बे आए थे ये, है ना। अब उसके बाद इनका क्या यूज हो सकता था किचन में, है ना। प्लास्टिक के आइटम वैसे ही हम बहुत कम यूज करते हैं अब किचन में, सबको पता है इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। लेकिन दोस्तों गार्डनिंग करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपके गार्डन में ये सुंदर भी लगेंगे, ये प्लांट आपको ऑक्सीजन भी देंगे, आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात भाई, अपने प्लास्टिक के कचरे को आप खुद ही अपने घर में मैनेज कर रहे हो, ये नहीं है कि आप इधर उधर फेंक रहे हो, और जिनको आप देते हो उन्होंने भी जाके फेंकने ही है।
तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगा लेते हो तो आपके गमलों की भी समस्या दूर हो जाएगी, और दूसरा भाई ये आइटम तो आपके रियूज होने होने हैं, और तीसरा जो कि आपको एक ये रहता है कि मैं गमले लेके आऊं कहाँ से, लेके आऊं कहाँ मिलेंगे, और बरसात में कहाँ जाऊं, तो ये समस्या भी देखो आपकी दूर हो जाती है। और एक ये देखो, ये रेन लिली के ये देखो एक ढक्कन में लगे हुए हैं, ये एक ऊपर का ढक्कन होता है ना जो प्लास्टिक के डब्बे का, उसमें ही मैंने सोयल भर के इसके थोड़े से ये बल्ब लगा दिए थे, और ये देखो कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं। बताओ, एक थोड़े से मीडियम में ही लगे हुए हैं बिल्कुल ये, और देखो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जा रही। और इसी तरीके की दोस्तों मैं चीजें अपने गार्डन में यूज करती रहती हूँ, और जब उसमें प्लांट पूरी तरह से फैल जाता है, फ्लरिश हो जाता है, तब तो आपको वो आइटम दिखता भी नहीं है कि आपने किस में लगा रखे हैं। और यकीन मानो इन सबको देखो मैंने पेंट भी कर रखा है, पेंट भी करे हुए देखो, पीछे मैंने कब करवाया था, पिछली सर्दियों, पिछली पिछली से पिछली सर्दियों में, तब से देखो ये प्लास्टिक के आइटम भी जिनमें मैंने प्लांट लगा रखे हैं पेंट हुए हुए हैं, इस तरह भी आप कर सकते हो एक जैसा टेक्सचर देने के लिए। और देखो यूं के यूं है प्लांट, और ये भी एक प्लास्टिक के का डब्बा के जो निचले वाला हिस्सा होता है ना उसमें लगे हुए हैं। तो और इधर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बीच बीच में जिनमें मैंने मतलब वेस्ट आइटम का यूज करके कुछ कुछ उगा रखा है, और ये देखो सारे प्लांट कितने अच्छे चल रहे हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये मत बोलो कि आपके पास चीज नहीं है, अगर आपकी नीयत है ना तो आप बिल्कुल पौधे लगाओगे, आपको जो मर्जी मिलेगा ना घर में वेस्ट आप उसमें ही लगा दोगे। तो ये देखो सारे पौधे खूब अच्छे से चल रहे हैं, कुछ अच्छे गमले हैं, कुछ घर के वेस्ट आइटम है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, गार्डनिंग के लिए आपका शौक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर तो देखो आप मैनेज अपने आप करते चले जाते हो, कभी आप परचेज करोगे, कभी आप घर से जुगाड़ करोगे, तो इस तरीके से है ना सारा काम चलता रहता है। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ भी, कुछ मैं चीजें जो अच्छी लगती हैं खरीद भी लेती हूँ, घर में जो इस तरह की आइटम आती है उनको भी यूज कर लेती हूँ। और यहाँ का तो मोस्टली गार्डन ये जो नीचे पौधे रखे हो ना सारे वेस्ट आइटम में है, वही जो मैंने डब्बे दिखाए थे ना दही वाले उसमें ही पौधे लगा रखे हैं। तो इसी तरीके से सारे पौधे लग रहे हैं, कुछ देखो मग्गे रखे हुए हैं, मग्गे जो क्रैक हो जाते हैं नीचे से टूट जाते हैं उनमें मैंने प्लांट लगा रखे हैं, हैंग करने में भी मग को आसानी होती है, और ये देखो सारे कितने अच्छे चल रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं होती कि प्लास्टिक में चीजें अच्छी चलती है, देखो क्या क्या कमी हो रही है यहाँ पे, है ना। ये देखो ये प्लास्टिक में ना लगा हुआ है, देखो एक डब्बे में कितने मैंने इसमें इतने सारे पौधे लगा रखे हैं बल्कि, और यहाँ आसपास भी सारी ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो कि ऑलमोस्ट वेस्ट ही थी। और किस तरह से ये देखो कितना सुंदर सा हमारा एक लैंडस्केपिंग वाला छोटा सा एक कॉर्नर तैयार हो गया है, और ये जगह दोस्तों बिल्कुल खाली पड़ी थी, और जब मैंने इसमें प्लांट रखने शुरू किए, इसको सजाना शुरू किया, तो धीरे 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 मात्रा बढ़ती गई। और ऐसे ही होगा आपके साथ भी, अगर एक बार आप शुरुआत कर दो फिर आप खुद ही देखोगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आप उगाते चले जाओगे, और बहुत सुंदर आपका गार्डन तैयार हो जाएगा। और इस तरह के जो पौधे होते हैं ना ये वाले जैसे फूल फाल वाले हैं, सदाबहार हो गए, इस तरह के पौधे हो गए, इनको तो भैया आप कहीं मर्जी लगा दो, इतना सुंदर आपका गार्डन लगेगा ना। तो वेस्ट आइटम को मत फेंका करो, देखो क्या इसमें लग सकता है क्या नहीं लग सकता, तो सारा दोस्तों मिक्स मैच करके आपका गार्डन तैयार होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम से आप बाजार भागो, आप कुछ लेके आओ तब आपका गार्डन तैयार होगा, जिस टाइम जिस चीज की आपके पास मतलब अवेलेबिलिटी हो, यही कह सकती हूँ मैं, तो उस टाइम आप वो काम कर दो। और वही बस, अब तो बूंदाबांदी भी होगी शुरू, अब मैं भी वीडियो को एंड कर रही हूँ। उम्मीद है अब आप अपने घर में सर्च करोगे क्या चीज वेस्ट पड़ी हुई है, और उसमें अब आप बरसात के सीजन में प्लांट लगाओगे, और खूब काली घटा भी छाई हुई है, लगता है कुछ तगड़ा बरसेगा। और रोज दोस्तों दिन में एक बार ऐसा मौसम जरूर हो जाता है कि ऐसे काले बादल आते हैं, कभी बरस जाते हैं कभी नहीं भी बरसते, लेकिन ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे अभी बहुत बरसेंगे, और लग तो ऐसा ही रहा इनके हालात देख के कि बरसने वाले हैं। तो चलो अच्छा है बरस जाए, और बस करो आप भी मौसम एंजॉय, नए नए प्लांट्स भी आप लगा रहे होंगे, मौसम की ठंडी ठंडी हवा से भी मजे ले रहे होंगे, और ये वीडियो करते करते आप भी बहुत अच्छा होते, और बस हमारा वीडियो भी कम्प्लीट हो गया है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी आज उन्होंने दे दी है। तो ये बस देखिए अपने घर में भी आते हैं कि उसमें कटिंग लगा सकते हो, कहाँ उन्होंने प्लांट लगा सकते हो, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बस इसी तरह से वीडियो को लाइक किया करो, अपने बच्चे को शेयर भी किया करो, जिनको गार्डनिंग की वीडियो अच्छी लगती है,
इससे क्या होता है समाज में एक मोटिवेशन निकलती है प्लांट्स के प्रति, जो कि बहुत बिजी लोग होते हैं जिनका ध्यान नहीं होता है खुद की तरफ, अपने काम में उठे रहते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाता है इनके लिए। थैंक यू वेरी मच।